हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू सी फाइव क्वेश्चन व्हिच इट विल ऑलवेज कमिंग टू आवर माइंड व्हाइल वी आर डूइंग हाइपोटेस्ट। सी दिस फाइव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइपोटेस्ट? हाइपोटेस्ट इज अ हाई वोल्टेज टेस्ट, इज ऑल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट इज द नीड ऑफ डूइंग हाइपोटेस्ट? हाइपोटेस्ट करने की जरूरत क्या है? सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि वॉट इज द नीड ऑफ डूइंग हाइपोटेस्ट? हाइपोटेस्ट करने की जरूरत क्या है? हाइपोटेस हम इसलिए करते हैं कि जिस सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है, जो ट्रांजिएंट टाइम आता है सिस्टम में, उस टाइम पे सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है वो चेक करने के लिए हम हाइपोटेस करते हैं। अभी आपके माइंड में आता होगा कि ट्रांजिएंट क्या है, ट्रांजिएंट टाइम क्या है, ट्रांजिएंट टाइम यह है कि कभी हमारा जो लोड है वो अचानक एकदम रिड्यूस हो जाता है, यानी सडन रिड्यूस हो जाता है वोल्टेज। सिस्टम में जो हैवी वोल्टेज, हैवी स्विचिंग होता है, उसको भी हम ट्रांजिएंट टाइम कहते हैं। और कभी कभी फॉल्ट, सम फॉल्ट ऐसे होते हैं जिसमें भी ट्रांजिएंट टाइम आता है, उस टाइम पे क्या होता है, ट्रांजिएंट वेवफॉर्म हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। उस टाइम पे आवर सिस्टम शुड बी विदस्टैंड द हाई वोल्टेज। वी एंश्योर दैट ऑल्सो द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू कंडक्टर। ये ट्रांजिएंट टाइम पे क्या चेक करते हैं हम कि हमारा सिस्टम पहले तक कैपेबिलिटी उसकी सही है कि नहीं है। दूसरा, हम ये चेक करते हैं कि हमारा दो जो कंडक्टर है उसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आता है वो सही है कि नहीं है। वो चेक करने के लिए हमको हाइपोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, वेदर द हाइपोटेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर एनी स्पेसिफाइक डिवाइस। कहने का मतलब ये है कि जो हाइपोटेस्ट है वो कोई स्पेसिफिक डिवाइस के लिए ही है या सब डिवाइस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका जवाब ये है, आप कोई भी डिवाइस में हाइपोटेस्ट कर सकते हो। जैसे आप कम्युनिकेशन कंट्रोल केबल में भी हाइपोटेस्ट कर सकते हो, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी आप हाइपोटेस्ट कर सकते हो। बट नॉर्मली फॉर आवर टेस्टिंग इंजीनियर शुड थिंक हाइपोटेस्ट ओनली फॉर द पावर सिस्टम। जो हमारे जो टेस्टिंग इंजीनियर है वो सोचते हैं कि पावर सिस्टम के लिए ही सिर्फ हाइपोटेस्ट कर सकते हैं, मगर हाइपोटेस्ट आप किसी भी सिस्टम में कर सकते हो। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, व्हेन हाइपोटेस्ट शुड बी डन। इन हाइपोटेस्ट कब करना चाहिए, हमको हाइपोटेस कब करना चाहिए? हाइपोटेस शुड बी डन इन स्पेसिफिक डिवाइस आफ्टर द चेक द फॉल्ट कंडीशन। यानी जो स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्रेकर के लिए हाइपोटेस कर रहे हैं, तो पहले हमको उसके फॉल्ट कंडीशन को चेक करना चाहिए। उसके लिए पहले हमको, जैसे हम टाइमिंग टेस्ट करते हैं, फिर कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, फिर इंसुलेशन रजिस्टेंस चेक करते हैं, वो सब करने के बाद हम हाइपोटेस करते हैं। और हम ह्यूमिडिटी भी, उसको जो ह्यूमिडिटी होती है उसको भी हम चेक कर ले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइपोटेस्ट। और फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ मच वोल्टेज शुड अप्लाई फॉर हाइपोटेस्ट। हम कितना वोल्टेज हाइपोटेस के लिए इंजेक्ट कर सकते हैं? मैं ये लिख के रखा है कि हाइपोटेस, हाउ मच वोल्टेज शुड बी इंजेक्ट इन हाइपोटेस। इन सम कंट्री दे फॉलो, यह हमारा बस के लिए है, 80% मल्टीप्लाई 2 × नॉमिनल वोल्टेज प्लस 1 kV फोर AC। ये AC के लिए इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? 80% मल्टीप्लाई 2 × नॉमिनल वोल्टेज प्लस 1 kV फोर AC। एंड DC के लिए 80% ×
टू वी एन प्लस वन के वी इंटू रूट टू फोर द डी सी। इधर नॉमिनल वोल्टेज क्या है, इज द सिस्टम वोल्टेज। एंड सम अदर कंट्रीज फॉलो दिस फॉर्मूला, 80% इंटू वी पीक फॉर ए सी, अनदर कंट्री डी सी के लिए यूज करते 80% इंटू वी पीक इंटू रूट टू फॉर डी सी। वी पीक इज द विदिस्टेंट वोल्टेज फॉर द सिस्टम। अभी हम ये देखें कि हम जब ए सी के लिए चेक करते हैं और सिस्टम के लिए, जैसे पावर सिस्टम के लिए जैसे ब्रेकर है और कोर इक्विपमेंट है उसमें चेक करते हैं, तो हम फर्स्ट टाइम में 80% ये फार्मूला यूज़ करेंगे और सेकंड टाइम पे जब मेंटेनेंस करेंगे उस टाइम पे भी ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। मगर जब हम केबल के लिए यूज़ करेंगे तो फर्स्ट टाइम 80% हम देंगे, बाद में जब मेंटेनेंस का टाइम आएगा उस टाइम पे हम 60% ओनली इंजेक्ट करेंगे, 60% इंटू टू वी एन प्लस वन के वी इंटू रूट। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे मेंटेनेंस टाइम पे केबल के लिए। ये हो गया हम कितना वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हैं। अभी हम ये देख ले, मैंने एक एग्जांपल ऑफ 33 के वी बस बार सिस्टम का एक नेम प्लेट लेके लिख के रखा है। जैसे नेम प्लेट पे होता है रेटेड नॉमिनल करंट, रेटेड लाइटिंग इम्पल्स पास, विदिस्टेंट वोल्टेज। तो हमने इसमें देखो, जो हमने सेकंड फार्मूला यूज़ की है उसमें वी पीक लिया है, सेकंड फार्मूला जो 80% इंटू वी पीक, तो वी पीक क्या है, विदिस्टेंट वोल्टेज 70 के वी एंड दिस वन इज रेटेड वोल्टेज 36 के वी। दिस इज आवर 5 क्वेश्चन ऑलवेज इन आवर माइंड व्हाइल वी आर डूइंग द हाइपोटेस्ट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। अभी हम कल जो उसके कुछ दूसरे क्वेश्चन है बाकी, जैसे केबल में डीसी ही क्यों इंजेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे अदर क्वेश्चन भी है, वो हम कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।